नमस्कार, मैं निखिल दुबे कंट्री इनसाइड न्यूज़ से। आज हम दिवाली त्यौहार की बात कर रहे हैं। दिवाली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या के राजा रामचंद्र जी अपना वनवास ख़त्म करके अयोध्या लौटे थे। उनके वापसी आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए और खुशी मनाई। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसके बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। वहीं भारत तिब्बत बॉर्डर पर खड़े 44वीं वाहिनी ITBP के जवानों ने भी दिए जलाए और दिए जलाकर पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। जवानों ने बड़े हर्षोल्लास से दिवाली का त्यौहार मनाया, एक दूसरे में मिठाइयां बांटी और बहुत खुशी मनाई। अधिकारियों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। पार्टी आराम से। हाँ तो दोस्तों, आप सबको पता है हम दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सेनानी 44वीं वाहिनी की तरफ से, मैं सभी अधिकारियों की तरफ से, मैं आपको और आपके परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ITBP के जवानों ने अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बहुत ही उत्साह के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया है।